मैं धीरेन्द्र त्रिवेदी ग्लोबल एजुकेशन से, आज मैं त्यांजिन शहर में हूँ चाइना में। मेरे साथ हैं डॉक्टर विकास, ये नेपाल के नागरिक हैं और ये यहीं से इन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया था और अब ये चाइना में प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए डॉक्टर। आइए इनसे बात करते हैं कि चाइना के में प्रैक्टिस के क्या नियम हैं और यहाँ के हॉस्पिटल्स में कैसी व्यवस्था। नमस्ते डॉक्टर विकास। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए बहुमूल्य समय अपना निकाला। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ कहाँ से अपनी मेडिकल की शिक्षा पूरी की थी? मैंने यहीं थेंजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स, मास्टर्स और PhD भी खत्म किया। गुड, तो अभी आप यहाँ चाइना में जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, अभी 8-9 साल हो गया यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या आपने चाइना का लाइसेंस लिया था, प्रैक्टिस टू लाइसेंस? नहीं, यहाँ काम करने के लिए ये लोग हमें टेम्पररी लाइसेंस देता है। नेशन या चाइनीज स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और वो अगर वो यहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास नहीं कर पाता है तो क्या उसे यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी है? जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो लोग एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं मगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं। अच्छा, एज अ जूनियर डॉक्टर? एज अ जूनियर डॉक्टर एंड उन लोगों का सैलरी भी होता है डिपार्टमेंट में। जूनियर डॉक्टर मतलब कि अंडर सुपरविजन वो काम वो काम कर सकता है, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता। प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता। अच्छा, और आमतौर पर उन्हें कितनी सैलरी मिल जाती है? ये तो हॉस्पिटल में टाइम हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में बहुत कुछ है, उस पर डिपेंड करता है मगर मुझे इतना पता नहीं। आज आपको डिफरेंट होता है बुढ़ा मामा डॉक्टर, आज आपको कितनी सैलरी मिल जाती है? क्योंकि मैं इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ इसीलिए उसका सैलरी बहुत डिफरेंट होता है, उस कमीशन भी। मेरा लगभग एक महीने में बेसिक सैलरी 50-60,000 RMB 60,000 RMB लगभग। तो ये तो बहुत बड़ी रकम है, अगर हम इंडिया से कंपेरिजन करें, नेपाल से कंपेरिजन करें तो मिनिमम 5 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी तो आप ले ही रहे हैं। हाँ जी, गुड। तो मतलब यहाँ पे फॉरनर्स के लिए भी जॉब अवेलेबल है? हाँ जी, यहाँ एक्चुअली है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप नेपाल से हैं तो आपने क्या नेपाल का NMC पास किया है? हाँ जी, मैंने मास्टर्स के बाद नेपाल में जाके NMC पास किया। तो नेपाल NMC में जो आपका नेपाल का लाइसेंस है क्या उसे यहाँ चाइना गवर्नमेंट वैलिड करती है? हाँ, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली चाइनीज गवर्नमेंट वो हमारा नेपाल का, इंडिया का, UK का, अमेरिका का वो हमारा जो लाइसेंस है दे विल वैलिड। अच्छा, वो वैलिड है? हाँ जी। मतलब अगर आपने नेपाल से लाइसेंस लिया है या इंडिया से लाइसेंस लिया है या आपने अगर प्लैब कंप्लीट किया है तो वो आपका जो प्लैब का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है इट्स वैलिड इन चाइना फॉर वर्किंग। हाँ जी। आप कैसा देखते हैं डॉक्टर साहब कि चाइना में बच्चों का भविष्य कैसा है एज ए डॉक्टर? फॉरेनर के लिए इट इज गेटिंग बेटर, ये अच्छा हो रहा है अभी चाइना में क्योंकि ये कोविड वगैरह हुआ था ये थोड़ा बहुत, उसके अलावा नहीं तो इधर चाइना में एक एज अ डॉक्टर फॉरेनर क्योंकि बहुत उसका फ्यूचर अच्छा है क्योंकि अभी देखिए ना अभी बहुत ये सिंगापुर वाला ये थाईलैंड वाला ये लोग दे आर ओपनिंग अ लॉट ऑफ स्कूल मतलब ये हॉस्पिटल बहुत खुल रहा है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल का वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। तो यहाँ डॉक्टरों की भारी कमी है? एक्चुअली फॉरेन डॉक्टर का भारी कमी है जो इंग्लिश में बात कर रहा है क्योंकि यहाँ जो फॉरेनर सोसाइटी भी ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ, इसीलिए एज अ फॉरेनर डॉक्टर का यहाँ थोड़ा बहुत कम है। तो उनकी डिमांड ज़्यादा है अभी। तो अगर बच्चा मान लो फ्लैप कंप्लीट कर लेता है जैसे आपने बताया फ्लैप, मैं अगर तुलना करना चाहूँ फ्लैप या नेपाल का NMC दोनों में क्या दूरियाँ हैं, क्या समानता है, इस एग्ज़ाम को पास करने में कितनी कठिनाई आएंगी भारतीय छात्रों? नहीं, जितना कठिनाई नेपाल मेडिकल लाइसेंस और इंडियन मेडिकल लाइसेंस है उतना वो और फ्लैप एक ही है। मतलब फ्लैप पास करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है? इतना बड़ा मुझे लगता है इतना बड़ा मुश्किल नहीं है मतलब अगर आप नेपाल का नेपाल मेडिकल लाइसेंस अथवा इंडियन मेडिकल लाइसेंस पास कर सकते हो तो फ्लैप भी आप अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। अच्छा, अगर तुलनात्मक अध्ययन करें हम फ्लैप और USMLE इन दोनों में क्या फ़र्क आपके नज़रिए में? MLE थोड़ा बहुत कड़वा होता है।
यूएसएमए ने आपके लिए बहुत ज़्यादा, उसके लिए तो बहुत कठिनाई करना पड़ता है। मगर अगर ये प्लैब और प्लैब हो तो आप काम एक समय पे काम करो, एक समय पर पढ़ के वो दो, भी कोई बात नहीं। मतलब प्लैब इज इजी, और अगर आपने प्लैब कर लिया तो आप तकरीबन 70 कंट्री में आपकी लाइसेंस वैलिड हो जाता है। हाँ जी, जिसमें पूरा गल्फ, पूरा कॉमनवेल्थ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब इंक्लूडिंग चाइना भी। अच्छा, चाइना भी, मतलब प्लैब आपने कर लिया तो चाइना में आपका लाइसेंस वैलिड हो गया। इफ यू हैव अ बोर्ड, या यूके का बोर्ड होता है, आप इधर काम कर सकते। और कम से कम 5 लाख रुपए सैलरी से आप अपनी करियर शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास, मेन थैंक्स टू यू, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। मेन थैंक्स टू यू, नो प्रॉब्लम।